अगर कम्युनिटी के बड़े आकर जो भी फैसला करते हैं वो गुफ्त शरीत के साथ उसको हल करते हैं। तो यही है मेरा प्रोग्राम के मसालती कमेटी में जिस तरह से राजा रियाज साहब हैं, असगर भाई हैं, और इस तरह से टोक्यो के कुछ मोजिस लोग हैं, ये मैं तो उनके पैर की खाक भी नहीं कि मैं किसी मसले को हल कर सकूँ, लेकिन वो लोग जो जिनकी बात मुस्तनद है, जिनके इशारों पे हम चलते हैं, तो ऐसे ही लोगों को आगे ऐसे लोगों से गुजारिश करके कि वो लोग आएं और आके इस मसले को हल करें, अगर जो हकदार का हक है उसको वापस मिले, या जो हकदार का हक है जिसके पास है हो सकता है उसी का हक हो, तो उसको ये बात वाजा हो जाए कि हाँ ये उसी का हक है। सर इसमें मैं बोलना चाहता हूँ, ये मसला मुझे भी मालूम है सारा जी जी, ये मसला सर कोई भी बड़ा मसला नहीं, मैं मेरा लेन देन था असगर से जी, इसी मतलब सामान के चक्कर में, मैं जिस वक्त वो पकड़ा गया मैं गया, तो इन्होंने मुझे साफ ये बोला जी कि ये हमने बेच दी है। अच्छा, मैंने असगर को दुबई में टेलीफोन किए, आगे पीछे भी किए, मैं रकम की तो नहीं बताता कि कितनी रकम है, लेकिन ये है जी के अच्छी जी, लेकिन इन्होंने मुझे उस वक्त साफ इनकार किया जी कि हमने ये जुल्फकार को बेच दिया। जुल्फी से मेरे अच्छे तलुकात थे, मैंने उसे नहीं बोला क्योंकि मैंने उसे लेने ही नहीं था जी। इस बारे में मैंने दुबई में हजारों बार उसे टेलीफोन किया लेकिन उसने मेरा टेलीफोन नहीं उठाया। इस मसले को अगर आप ये कहते हैं ना जी कि अब वो ये कहे जी कि मैं मालिक हूँ तो मैं भी उसमें क्लेम कर सकता हूँ अपना। सही है जी, वो मामूली रकम नहीं है, अगर मैं अल्फाजों में बताऊँ तो आप खुद हैरान होंगे। लेकिन उस वक्त उन लोगों ने मुझे ये कहा जी कि नहीं हमने ये बेच दिए। अगर उस वक्त ये अल्फाज वो कह सकते हैं जी कि हमने बेच दिया, तो अब वो किस तरीके से वो कहते हैं जी कि नहीं ये हमारा है। देखें हालात और वाकयात और बदलते रहते हैं इंसान, लेकिन एक झूठ की खातर उन्होंने उस वक्त झूठ बोला। अगर वो चीज अगर किसी वक्त रहीम भाई को मेरी इस चीज की गवाही चाहिए तो मैं देने के लिए तैयार हूं। तो वो उस वक्त सिर्फ आपसे उन्होंने कहा था कि ये हमने बेच दिया, लेकिन वो पूरी पब्लिक नहीं जानती, जिस तरह अभी वो दावा कर रही है कि ये मुझसे जबरदस्ती, अगर फर्ज करें मैंने आपसे अगर पैसे लेने हैं, आप अपनी बेगम को सामने लेकर के जी के नहीं आप ये कह दो जी कि हमने बेच दिया, तो मैं आप उस औरत को तो कुछ नहीं कह सकता। सही, क्योंकि आपसे मेरा लेन देन, मैं अब आपके घर को तो नहीं कुछ कर सकता। सही, लेकिन यह जी कि ये झूठ और झूठ पे भी इनका तलक है। सही, मुझे नहीं मालूम कि जुल्फी होगा गलत, क्योंकि मैं नहीं कहता जी कि वो सच ही है जी, उसने भी उस वक्त फायदा उठाया या नुकसान उठाया ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे सामने ये बात हुई। ठीक, लेकिन मसला ये है कि उसको हल किस तरह किया, मतलब अभी तो कॉन्फ्लिक्ट है ना, बैठे बड़े सारे बैठे हैं लोग इसमें ना, तो मुझे मालूम है जी, 100% मालूम है कि ये बात सच है जी कि उसने बेचा नहीं, वक्ती तौर पर उसने कम अप्लाई किया जुल्फी के थ्री जी। ठीक है, अगर वो ये चीज कर देता है कि हाँ भाई ठीक है, जिसका लेन देन और उन लोगों के भी है, अगर वो उस चीज को खत्म करता है तो जुल्फी को बैठा के बात करनी इतनी बड़ी बात नहीं है। सही, क्योंकि इस वक्त वो जापान में नहीं, और जापान में नहीं उसको जो ना करने तो मालिक बनने की क्यों कोशिश, नहीं वो नहीं बन रहे, लेकिन उसमें राजा साहब यानी माजरत ये कि आपका यानी जाहिर है उनके साथ लेन देन है, हो सकता है कि वो उन्होंने आपके पैसे देने हो, और जब आपने उनके से क्लेम किया उन्होंने कह दिया जी कि ये हमने बेच दिया है, ये तो आपका और उनका है ना, लेकिन ये ना कि नहीं मैं लेकिन एक एग्रीमेंट हुआ हुआ है इनका। हाँ वही ना कि देखें अब ये कि अभी तक जो बातें चल रही हैं वो सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं जी, हकीकत में जो लोग हैं उनको नहीं पता है। अब मिसाल के तौर पे आपने उनसे 500 माल लेना है, उन्होंने कहा यार मैंने तो ये बेच दिया जी, अपनी जान छुड़ा ली, लेकिन ये भी तो होना चाहिए कि वाकई जुल्फी का और इनका क्या है ये, देखिए बात जो है ना, लेकिन बात तो की होगी ना, नहीं कोई कोई कर ही नहीं रहा ना जी, बात यही है अगर वो उनके पास बाकी ऐसी दस्तावेजात हैं कि वो कानूनी तौर पर उसके मालिक हैं तो वो कानून का सहारा क्यों नहीं देते। अच्छा, ये नासिर साहब ने नहीं और कितने ही दोस्तों ने वक्तन फोक्तन जब से ये मसला शुरू हुआ है, मेरे ख्याल में 17 जुलाई के बाद ये मसला 24 जुलाई को ये मसला शुरू हुआ था, सबके सामने पेश हुआ था ना, तो उसके बाद से 3-4 ऐसे काबिल जिक्र दोस्त हैं जिन्होंने मुझसे कॉन्टेक्ट किया कि भाई आप इस मसले को हल करवाएं। लेकिन बात वही है कि जब एक शख्स कानूनी तौर पर अगर किसी चीज़ का मालिक है तो आया हम उससे दरख्वास्त कर सकते हैं कि सर आप कुछ रहम करें उसकी हालत पर जो दूसरा है,
لیکن قانونی طور پہ ہم اس سے چھین نہیں سکتے, اس کو مار نہیں سکتے, قانون کو کسی طرح سے بھی ہم ہاتھ میں نہیں لے سکتے. جاپان میں رہتے ہوئے ہمیں اپنے مذہب کی بھی, اپنی ثقافت کی بھی, اور پھر جاپان کے قانون کا بھی احترام کرنا ہمارا فرض ہے. تو یہی سب کو بتایا جائے نا کہ یہ واقعی وہ قانونی طور پہ ہے یا نہیں ہے. یقیناً میں جس طرح سے جو ہمارے بزرگان ہیں ان سے بھی درخواست کروں گا, اور باقاعدہ مطلب یہ کہ نیٹ جو ہے ان سے بھی درخواست کروں گا کہ وہ بھی اس مسئلے میں کو حل کرنے میں اپنا کردار ادا کریں. اسی طرح سپوز اگر میری کسی سے لڑائی ہوتی ہے تو آپ یہی کہیں گے نا, دونوں آئیں بیٹھے بات کریں آپ, تو یہی پورے لوگ سارے جاپان میں لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ دونوں بیٹھ کے بات تو کریں, قانون کی بات کریں. اب آپ نے خود کہا کہ مسالے کی کمیٹی ہم بنائیں گے, تو اس میں یہ بجائے اس کے پولیس اسٹیشن جا کے بات کریں گے. اب میری لڑائی اگر ہوئی ہے شاہی سے تو ہم آپ دونوں کو بلا کے بلائیں نا, ذرا ٹیبل پہ تو بلائیں ان کو دونوں کو, یہ بات ہو رہی ہے. تو یہ الیکشن سے پہلے کچھ کرنے کی کوشش کریں تاکہ پتہ چلے کہ الیکشن میں آپ کتنے اس کے لیے لائل ہیں, مطلب الیکشن کے بعد مسائل حل کر لیں. ان لوگوں کے لیے جن لوگوں نے اس آزاد پینل کے لیے بڑی سپورٹ کی ہے.